अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद पीएमओ कैंप लगा करेंगे गुवाहाटी, गोड्डा, कहीं केरल में, कहीं राजस्थान में, कहीं उड़ीसा में, जैसा आप गुजरात में करते आए हैं, तो पीएमओ विल वर्क आउट ऑफ दिस प्लेसेस। देखिए, इनको आप शब्दों में मत बांधिए, लेकिन मैं छोटा उदाहरण बताता हूँ। आज देश में क्या है, हमारे विदेश के डेलीगेट आते हैं, विदेशों के महानुभाव प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल, मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूँ, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिलने आते हैं, प्रेसिडेंट मिलने आते हैं, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी कि नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी नहीं आएगी, बनारस की रोजी रोटी का काम बनेगा कि नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा।